हाय, दिस इज डॉक्टर जीन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीन टीवी। आज हम डिस्कस करेंगे बेल फॉल्सी या सेवन सीयर फॉल्सी या जिसको हम फेशियल फॉल्सी भी कहते हैं। तो बेसिकली ये पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज द बेस फॉल्सी पेशेंट्स या फेस फॉल्सी फॉल्सी पेशेंट्स होते हैं। यहाँ पे कुछ नर्व देख रहे हैं जो कि हमने वो उसमें प्रीवियसली कुछ ऐसे लेक्चर में पढ़ा भी था कि हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्मिनल नर्व होते हैं। तो ट्रिग्मिनल नर्व जब आ जाते हैं यहाँ पे, जो फेशियल नर्व के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं मोस्टली ये साइड, तो नीचे एक एक्सिपिटल्स जो पेराइटल्स मैक्सिलरी फेशियल नर्व तब जो आ जाते हैं। तो जब उसमें कभी कभार कोई डिस्ट्रक्शंस या कुछ ऐसे फंक्शनिंग्स प्रॉपरली जो करते हैं वो प्रॉपरली छोड़ दे या कुछ ऐसे उसमें कनेक्शन फेल्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी हो जाती है। मोस्टली दिस इज द इनएबिलिटी, अगर यहाँ पे ये नर्व अगर खराब हो जाती है तो इनएबिलिटी टू क्लोज आई रिजल्टिंग इन इरिटेशंस, तो इरिटेशन हो जाती है। मेनली यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक डिजीज आल्सो इन्वॉल्व हेयर, कुछ ऐसे है कि यहाँ पे कुछ इन्फेक्शंस काज हो जाती है जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो जाते हैं। कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, एसिमेट्रिकल फेशियल टोन जो है वो खराब हो जाती है, सैगिंग फेस, एक साइड फेस, मुड़ा हुआ फेस, या ऐसे लगता है कि जिसने चाटा हुआ है, इस तरह फेस जो है बन जाता है इंसान की। तो दिस इज बिल्स पाल्सी में आपको एक और भी बता ये वाली, फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, दिस इज बिल्स पाल्सी आल्सो द पेशेंट ऑफ वेयर इन्वॉल्व इन द मैक्सिलरी मसल्स हेयर, कुछ ऐसे यहाँ पे प्रीवियसली अगर आप इसकी फेस स्ट्रक्चर्स आईज देख लें तो वो नॉर्मल है, लेकिन नीचे यहाँ पे माउथ उसकी थोड़ी हुई। तो आज हम इसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट्स उसकी क्या होती है, उसकी प्रॉपर यूजेज क्या होती है और कौन से ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं उसमें। अच्छा, इसकी अगर चीफ कंप्लाइंट अगर आप देखते हैं तो पेन होती है बिहाइंड द मोस्टाइड बोन, जो आपके मोस्टाइड बोन होते हैं जो कि आपके छीवी बल बोन होते हैं, तो उसकी इर्द गिर्द या उसकी बिहाइंड जो है पेन हो जाती है। ड्रॉपिंग ऑफ आईलेड की ड्रॉपिंग हो जाती है, ड्रॉपिंग ऑफ द माउथ, एब्सेंस ऑफ द नेजो या लेबियल फोल्ड, ड्राइनेस ऑफ इफेक्टिव आईलेड ऑफ माउथ ड्यू टू लैग्रिमल्स, कुछ लैग्रिमल या मेंडिबुलर या सब मेंडिबुलर जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें वो प्रॉपरली ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है वो कोशिका स्पेशी प्रॉपरली नहीं होती। हाइपर सेंसिटिविटी टू लोड वॉइस, लॉस ऑफ टेस्ट, सेंसेशन ऑफ इंटीरियर 2 to 3 टो ऑफ द टॉन्ग, जब ये चीफ कंप्लायंस किसी पेशेंट्स पे हो जाती है तो या तो उसमें बिल्स फॉल्सी है अगर आप उसकी फिजिकली देखें, या बिल्स फॉल्सी के चांसेस होने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद हम ट्रीटमेंट डायरेक्टली हम ट्रीटमेंट पे जाते हैं, तो कौन सा ट्रीटमेंट, डेल्टा कॉर्ट्रिल, इट इज द स्टीराइड्स या कैनाडिक्स 5 मिलीग्राम टैबलेट्स, ये स्टीराइड्स होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। डेल्टा कॉर्ट्रिल में प्रेडनिसोलोन होती है 5 मिलीग्राम और कैनाडिक्स में डेक्सामेथासोन 5 मिलीग्राम होती है, लेकिन इसकी प्रॉपरली जो गाइडलाइंस है, यूएस गाइडलाइंस है, जो भी गाइडलाइंस है या एफडीए वाले के थे या जो भी है रिलेटेड टू ड्रग अथॉरिटीज जितने भी है, वो कहते हैं कि आप इसकी प्रॉपरली डोज फॉलो करें और उसके बाद उसकी डोज को टेपरिंग करें। टेपरिंग द डोज ऑफ द स्टीराइड, यू शुड फॉलो एनी वन ऑफ स्टीराइड यू कैन यूज इट। तो उसके लिए 3 टेबलेट से है TDS फॉर 3 डेज, 3 TDS आप यूज करें 3 डेज। फॉर एग्जाम्पल 3 टेबलेट आप यूज करें सुबह, 3 टेबलेट आप यूज करें इन द नून के टाइम और 3 टेबलेट आप इवनिंग टाइम यूज करें। सो ये 3 दफा, इसके बाद 2 2 टेबलेट्स, उसके बाद 3 डेज के लिए, फिर 2 टेबलेट्स 3 डेज के लिए, BD TD के बाद भी BD, फिर BD के बाद 1 टेबलेट BD फॉर 3 डेज और फिर उसको OD कर ले। तो इस तरह आप इस डोज को टैपरिंग करें, तो ये टैपरिंग डोजेस के लिए क्यों बहुत जरूरी है। इसके बाद टैबलेट्स में कोबालामीन 500 माइक्रोग्राम्स, माइक्रोग्राम जो भी तक कोबालामीन, ये 2 टाइम आप यूज करेंगे BD,
क्योंकि जो प्रेडिसोलॉन तो वो आपकी वो नर्व पाइन इन्फेक्शंस उसको ख़त्म करेगा, जो कि ऑटोइम्यून डिसीज़ अगर प्रोड्यूस है तो वो ख़त्म करेगा, एंड ये आपकी उसकी जो कि मसल्स है उसको प्रॉपरली नरिश करेगा। अच्छा, उसके बाद मोप्राजोल यूज़ करेंगे, राइजिक रोलिंग वन ओडी ओडी यूज़ करेंगे रात के टाइम के खाने से 30 मिनट पहले। अगर इसके बाद भी इफ बिल्स फॉल्सी ड्यू टू वायरल काज और सीवियर टाइम, अगर आपको पता या प्रिस्क्राइबर को पता चल जाता है कि इट्स अ वायरल काज, सो यू शुड गो टू एन एंटीवायरल ड्रग एसिक्लोवेर 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम डिपेंड ऑन योर द पेशेंट एज, एसिलेक्स, जोविरॉक्स, BD-TDS, QID और डोज इसी तरह करेंगे कि 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है उसकी वेट जो है 40 है, तो आप उसको 40 मल्टीप्लाई 10 करेंगे और मल्टीप्लाई आप उसको डे पे करेंगे, कितना बीडी आप यूज़ करेंगे, TDS या QID यूज़ करें, तो आप उसके हिसाब से उसके डोज को मैनेज करें या उसकी प्रॉपरली यूज़ करें। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गई उसकी ट्रीटमेंट। इसके बाद अगर पेशेंट्स फिर भी नॉर्मलिटी नहीं आ रही है, तो उसके अलावा आप जो है वो अल्टरनेटिव ड्रग्स पे भी जा सकते हैं। से वही चीज़ें, वही पैटर्न है कि जस्ट यू कैन फॉलो दिस, दिस इज द आल्सो द सेकंड अल्टरनेटिव Rx ऑफ दीज बिल फॉल्सी पेशेंट, सो ये भी आप यूज कर सकते हैं, या जस्ट यू कैन चेंज द कैप्सूल ऑफ मोप्राजोल, लाइक आप मल्टीवाइटामिंस को जस्ट यू कैन चेंज दिस, या आप रिसलांस केराडिक्स जस्ट यू कैन चेंज दिस अल्टरनेटिव आल्सो इन्वॉल्व। सो मोस्टली ये ट्रीटमेंट सेम है फॉर द बिल फॉल्सी। ओके, हम नेक्स्ट भी इंशाल्लाह और भी लेक्चर तैयार करेंगे आर स्टेटमेंट ऑफ सम रिलेटेड टू द न्यूरो पेशेंट्स, सो इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।